अब इसके अंदर डालेंगे और यह बॉईल करा जाएगा। अब इसके अंदर मसाला ऐड करेंगे हम, फिर नमक ऐड करेंगे इसके अंदर, मिर्ची भाई अभी चुप जाए, लाल धनिया पाउडर, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, गुलाउट। ओके, अब इसके ये हो गए, अब इसको बॉईल करने के लिए रखेंगे। ये उगाने के लिए रख दिया भट्टी में, आधा एक घंटा लगेंगे उगलने में। तो देख सकते हो दोस्तों, लगभग आधा पौन घंटा हो चुका हमारे रान को ना बॉयल होते हुए, क्या लाजवाब यहाँ पे जो हमारा रान है वो पकना शुरू हो चुका है धीरे धीरे। अब 15 से 20 मिनट और लगेगा और हमारा जो रान है वो बिल्कुल बनकर रेडी हो जाएगा, है ना। देख सकते हो पानी भी जो वो आधा सूख चुका है और अब देखिए किस तरीके से 15 मिनट के बाद रेडी होता है। बॉयल हो चुके हैं, गैस बंद करते हुए आधा घंटा हो गए, जो ये ठंडा हो गया है। अब हम इसको निकालेंगे, इसके अंदर मसाला लगाएंगे, मतलब इसके अंदर भी दही लिए हैं, मसाला बनाएंगे रान के लिए। तो अब हम मसाला इसमें बनाएंगे, वाइट नमक, गरम मसाला, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, रान के लिए मसाला, रान के लिए कलर डालें इसके अंदर, पीली मिर्च, ये लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, टू मिर्च लाल और ये काला नमक, सरसों का तेल। अब इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे, एक रान इसमें ले रहे हैं, अभी इसमें अभी रेडी करेंगे एक रान, अभी इसमें मसाला रेस्ट करेंगे। मसाला इसके अंदर लग गए, अब हम सूखों में परोके तंदूर में डालेंगे फुल डाउन करने के लिए, मतलब उसको मसाला को वो करने के लिए। इसका अभी सूखों में परोके तंदूर में डालेंगे, मतलब फुल वो करने के लिए, रेडी करने के लिए। जैसे ये बॉयल तो हो चुके हैं, इसके अंदर पूरा रेडी है, तो अब हम जो ये मसाला लगा है तो मसाला मतलब अंदर तक घुसने के लिए, तो इसके अंदर हम तंदूर में डालेंगे इसलिए, ताकि ये पूरा अच्छी तरह से मसाला इसके अंदर चिपक जाए, घुस जाए। ये रान सी के ले लिया, अब ये रान को वो कर रहे हैं, रो रहे हैं, ये देखिए हो गए। अब हम तंदूर में डालेंगे, ये थोड़ा यहाँ बांधते हैं इसलिए कि गिर ना जाए। ये अब हम डालने जा रहे हैं तंदूर के अंदर, ये देखिए अभी ये 5 से 7 मिनट तंदूर के अंदर रहेंगे, फिर आपको 5-7 मिनट बाद निकालेंगे। ये देखिए अब रान हो गए रेडी, मैं अब निकाल रहा हूँ, ये देखिए। इसके अंदर चाट मसाला ऐड कर रहे हैं, ये देखिए क्रीम, मक्खन, दे देखिए मटर नान।